नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी और मैं हूं आपके साथ अरविंद सुमन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कुछ खास बातें बताएंगे। दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए आप सभी के लिए अग्रिम ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 की वैकेंसी आएगी तो आप सभी लोग वर्ग 3 की तैयारी में लग जाइए, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे वर्ग 2 और वर्ग 1 से रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियोस थे, उन वीडियो में यदि एक सवाल मेरे से पूछा गया तो दोस्तों सबसे ज्यादा अदर स्टेट के भाई बहनों ने एक सवाल पूछा है कि सर मध्य प्रदेश में हमने फॉर्म डाला है अदर स्टेट से, तो क्या हमारे लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि जिस स्टेट में आप फॉर्म डालते हैं उस स्टेट में आपका जीवित रोजगार पंजीयन मांगा जाता है, तो इसी प्रकार सेम कंडीशन दोस्तों मेरे अदर स्टेट के भाई बहनों के साथ हो गई है, क्योंकि उन्होंने जब मध्य प्रदेश में फॉर्म डाला है तो उनके लिए ये डाउट हो गया कि अब हमारे लिए रोजगार पंजीयन लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों यदि आप इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर और संपूर्ण जानकारी बता दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें मैं पंजीयन के साथ साथ अदर स्टेट के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरत हैं। यदि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो ईश्वर करे आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल होने लगता है और होगी। तो दोस्तों पहले तो हम ध्यान रखें सबसे मेन बात कि रोजगार पंजीयन की आवश्यकता है या नहीं। तो दोस्तों वो रोजगार पंजीयन अदर स्टेट वालों के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, खासकर वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वर्ग 1 वर्ग 2 में मध्य प्रदेश का आपको जीवित रोजगार पंजीयन नहीं जरूरत है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र की भी मध्य प्रदेश में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर लिया जाएगा। सेकंड थिंग, आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या जरूर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट का जो कोटा रहता है वो दोस्तों आपके मतलब जैसे मध्य प्रदेश वालों ने उत्तर प्रदेश में फॉर्म डाला या उत्तर प्रदेश वालों ने एमपी में या अदर स्टेट में जो फॉर्म डालते हैं वो कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि वो दोस्तों आपके जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं और जनरल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ही उनकी चयन प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों यदि आपको मैं बता दूं कि आप अदर स्टेट से हैं और यदि आपको फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसमें एक डाउट और है जो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मतलब मध्य प्रदेश की बहनें ऐसी हैं कि जिनकी शादी अदर स्टेट में हो गई है, अब उनकी शादी अदर स्टेट में हो गई तो उनका एक क्वेश्चन से था मेरे से कि सर मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूं, मेरी शादी अदर स्टेट में हो गई, तो अब उस जगह पे क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे नाम जो उनके पति का नहीं है पिताजी का है और अब इधर पे आधार कार्ड पे पति का हो गया है, तो आपको इस प्रकार की चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी शादी अदर स्टेट में हुई है तो आप ध्यान रखिएगा अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, और यदि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो आप अपने तहसील में जाकर तहसील में बन जाता है, उधर पे आप बातचीत कर लीजिएगा तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा और मैरिज सर्टिफिकेट से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे कोशिश ये रहेगी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फादर के यहाँ के होंगे, उसमें आपका निवास प्रमाण पत्र भी पहले बना होगा, जाति प्रमाण पत्र भी होगा तो वो भी बना होगा, तो आपके लिए वैसे परेशानी नहीं होगी। यदि ऐसा भी शंका है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए, ये मेरा निवेदन है जिन बहनों की शादी मध्य प्रदेश से अदर स्टेट में हुई है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको इससे रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो मुझे संपर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको साथ साथ एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं या फैलाई जाती हैं, तो दोस्तों इनसे दूर रहें, अच्छे से रहें और आप परेशान न रहें, अपनी वर्ग 3 की तैयारी पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, एंजॉय करें। चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का साइन आता है उस पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों वर्ग 3 की तैयारी अब मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूं, तो आप भी वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एएस अकेडमी के साथ जुड़ जाइए। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।